हेलो एवरीवन मेरा नाम है सपना और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक नया वीडियो ट्यूटोरियल तो मेरा ट्यूटोरियल जो है आज हैवी मेटल टॉक्सिसिटी पे है हैवी मेटल टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स प्लांट्स में हैवी मेटल टॉक्सिसिटी जो है वो कैसे कॉज होती है और हैवी मेटल टॉक्सिसिटी देखने से पहले हमें पता होना चाहिए बट आर मेटल्स कि मेटल्स क्या होती हैं तो मेटल्स ऐसी चीज़ होती है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि लस्ट्रस होते हैं और लस्टर्स होने के साथ साथ जो है वो मेलेबल भी होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता होने चाहिए और मेटल्स जो है वो जनरली हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में ऑलरेडी भी प्रेजेंट होती हैं द मेटल्स आर जनरली रिमेन बाउंड टू सर्टन इंजाइम्स एज को फैक्टर सबसे पहले तो वो को फैक्टर के रूप में भी काम करती हैं जैसे एंजाइम्स ऐसे एंजाइम जिसमें को फैक्टर और को का कॉन्सेप्ट हो तो वहाँ पे एज ए को फैक्टर कौन आ, काम करता है मेटल्स काम करती हैं विद इन द प्लांट्स एंड इन सच मेटल एक्टिवेटेड सिस्टम्स द एक्टिवेटिंग केटाइंस लाइक मैग्नीशियम मैंगनीज कोबाल्ट जिंक मे बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो ये सारी जो मेटल्स हैं जिनके अभी नाम आएंगे वो एंजाइम सस्टेट कॉम्प्लेक्स में भी इन्वॉल्व होती हैं मेटल्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटाशियम आर इन्वोल्ड इन इंटर मेनटेनिंग द फिजियोलॉजिकल वैल्यू सूटेबल फॉर लाइफ जितनी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है जो कि uh, जैसे फॉर एक्जाम्पल सोडियम पोटाशियम पम्प हो गया तो बाकी कैल्शियम आयन हो गया जो कि आ, आ, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम जो है और ऐसे कई सारे आ, मेटल्स हैं मेटल आयन्स हैं जो कि कई सारी मैग्नी जो भी जितनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए चाहिए होते हैं प्लांट्स को नेक्स्ट हैवी मेटल्स कौन कौन सी हैं मेटल्स लाइक मर्करी लेड कैडमीम निकल वेरियम क्रोमियम दीज आर नॉन न्यूट्रियट मेटल्स ये सारी जो है वो नॉन न्यूट्रिय मेटल्स हैं विच आर टॉक्सिक ईवन एट वेरी लो कॉन्सनट्रेशन कि ये सारी मेटल्स जो हैं जो अभी जैसे मर्करी है लेड हैम कैडमिम है निकल है वेरियम क्रोमियम ये सारी ऐसी मेटल्स हैं जो कि प्लांट्स को लो अमाउंट में भी नहीं चाहिए होती हैं ठीक है अगर ये वेरी लो कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट हो सॉइल में तब भी ये टॉक्सिक होती हैं वेयर एज द असेंशियल एलिमेंट्स लाइक मैंगनीज मोलीबिडनम जिंक कॉपर कोबाल्ट, दे आर ग्रुप्ड एज माइक्रो न्यूट्रियट्स ये ट्रेस एलिमेंट होते हैं ट्रेस अमाउंट में जो वो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड ऑल्सो प्रूव टू बी टॉक्सिक कि ये ये भी टॉक्सिक हो सकते हैं दे आर ऑल्सो प्रूव टू बी टॉक्सिक एट हाई कंसेंट्रेशन कि लो अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं लेकिन हाई कंसनट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे प्लांट्स के लिए ये टॉक्सिक हो सकते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ये आते कहाँ से हैं सॉइल में कहाँ से आते हैं तो दो प्रोसेस हो सकती हैं एक हो सकती है नेचुरल प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस हो सकती है देयर आर लोकलाइज्ड रीजंस वे आर जियोकेमिकल जियो केमिकल प्रोसेस हैव कॉज द अनयूजअली हाई लेवल्स ऑफ हैवी मेटल्स इन द सॉयल अनयूजअली हैवी मेटल्स हो सकती हैं इसके कारण नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस या बायो जियो केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो है वो हो सकता है कि हमारे पास ये मेटल्स जो वो में ज्यादा आ जाए नेक्स्ट हो सकता है हम इसका कारण हमारे पास जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं मतलब जो ह्यूमन रिंग यहाँ पे अर्थ पे जितना भी कचरा फैला रहा है तो सेकंड इज द बिकम ए प्रॉब्लम एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी यहाँ पे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी भी लिखा जा सकता है क्योंकि अभी तो हम लोग ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कि अब तक की जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी हैं मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके थ्रू जो वो, है जो वो हैवी मेटल आइंस जो हैं वो एनवायरमेंट में एक्सकेप हो रहे हैं एस्केप हो रहे हैं सॉरी तो ये कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल माइनिंग वेस्ट पेपर मिल्स वेस्ट एंड डिपॉजिट्स फ्राम एटमोसफेरिक एमिशन ऑल ऑफ दैम कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग लेवल्स एंड मोर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स इन द एन्वायरमेंट कि ये सारी प्रोसेस जो हैं वो हैवी मेटल्स को एन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प कर रही हैं और जो कि प्लांट्स के लिए कैसी हैं टॉक्सिक हैं नेक्स्ट है हमारे पास अब प्लांट्स जो हैं वो कैसे इसको कैरी ऑन करते हैं अगर सॉइल में फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स होंगी तो वहाँ के प्लांट्स जो हैं वो उसको कैसे डिफेंड करेंगे कि वो नॉर्मल लाइफ कैसे जिएंगे उसकी प्रेजेंस में तो एज विद अदर स्ट्रेसेस प्लांट स्पीशीज डिफर मार्किडली इन देयर सेंसिटिविटी टू हैवी मेटल्स कि वो हैवी मेटल्स के लिए भी सेंसिटिव होते हैं कुछ एक मेटल्स कुछ एक जो प्लांट्स होते हैं वो हैवी मेटल की प्रेजेंस में भी रह लेते हैं वो थ्रीव करते हैं थ्रीव का मतलब होता है फलना फूलना या ब्लूम करते हैं मैनी स्पीशीज विल थ्रीव ऑन सॉइल रिच विद अर्सेनिक सेलिनियम निकल क्रोमियम गोल्ड साइनाइड कैडमियम एंड अदर मेटल्स और मेटेल कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो, जो कि भाई इनकी प्रेजेंस में भी थ्रीव कर जाते हैं फलते फूलते हैं ठीक है ये सारे हो गए क्रोमियम हो गया गोल्ड साइनाइड हो गया कैडमियम हो गया और अदर मेटल्स और मेटेलयड्स यहाँ पे मेटलोइड वर्ड लिखा है मेटलोइड वर्ड जो है उसका मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें मेटल्स और नॉन मेटेल्स दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं या कि उसके बीच का जो होता है जैसे वो मेलेबल भी होंगी लस्ट्रस भी होंगी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी कैरी कर रही होंगी तो उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट है कि कैसे ये प्लांट्स जो है वो टॉलरेट करते हैं स्ट्रेस को टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स आर देयर फर्स्ट इज स्ट्रेस अवॉयडर्स और हैवी मेटल अवॉयडेंस प्रोसेस को बोला जाता है कि हैवी मेटल्स को ये अवॉइड करता है तो यहाँ पे ये शुरुआत के लेवल पे ही जो है वो हैवी मेटल्स को अलग करने शुरू कर देता है हैवी मेटल को अलग कैसे करेगा ये रूट लेवल पे दे अवॉइड्स हैवी मेटल्स इन रूट लेवल एंड द हैवी मेटल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फ्रॉम फ्राम रूट्स ड्यू टू नॉर्मल सेंसिटिविटी ऑफ रूट सेल मेम्रेन एंड ए फॉर्म ऑफ अवॉयडेंस इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक तरह का अवॉइडेंस है ठीक है? तो यहाँ पे ये सीधा ही अवॉइड कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटर स्पीशीज कौन सी स्पीशीज है एक्यूमुलेटर स्पीशीज कि अगर हमारे पास हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं एक प्लांट के जो जिस साइल में वो ग्रो कर रहा है वहाँ पे हैवी मेटल प्रेजेंट है तो वो उसकी प्रेजेंस में ही जिएगा वो उनको भी साथ साथ में एब्जॉर्ब करने शुरू कर देगा लेकिन यहाँ पे वो करता गया है ऑन द अदर हैंड द हैड द सम स्पीशीज टेक्स ऑफ मेटल्स एंड एकमुलेट दैम टू लेवल्स एट दैट वुड बी लिथल टू नो टॉलरेंट स्पीशीज कि इतने तक जो है वो अपने इतने तक एब्जॉर्ब कर लेता है एक्यूमुलेट करता है भी मेटल्स को जो कि नॉन टॉलरेंट प्लांट्स के लिए जो है वो कैसा हो सकता है लीथल भी हो सकता है सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्यूमुलेटर स्पीशीज और ट्रू इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रू टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रागैलस एस्ट्रागैलस जो है जो कि लेग्युमेसी फैमिली का मेम्बर है एंड स्टैनले पिन्नाटा जो कि प्रेसिकेसी फैमिली का मेम्बर है दे मे एकट सेम सेियम एट हायर लेवल अप टू टेन परसेंट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ इट्स सीड्स सेलिनियम जो है वो एक टॉक्सिक हैवी मेटल होती है तो आप लगा लो हिसाब कि ये क्या मतलब नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मल नॉन टॉलरेंट प्लांट होते हैं अगर इतना ज़्यादा उनमें सेलिनियम प्रेजेंट होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते लेकिन जब इसके सीड्स को देखा गया तो उसमें टेन परसेंट उसका ड्राईवेट का जो है वो क्या था सेलिनियम क्योंकि हैवी मेटल है ऐसे कई ज़्यादा प्लांट्स हैं जो कि जिसमें हैवी मेटल टॉलरेंस की पावर होती है वो क्या करते हैं एकूमलेट कर लेते हैं अपने लीव्स में या फिर उसमें जो कि आउटसाइड ग्लैंड होते हैं उनको उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ से वो सिक्रीशन भी स्टार्ट करते हैं तो एक तरीके से वो क्या करते हैं हैवी मेटल्स को उनको अपने डिफेंस मैकेनिज़्म में यूज़ करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट का जो भी है वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी पढ़ाऊंगी आपको थैंक यू